लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हो गया है। इस बीच राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड में बिजली की कीमतों में करीब 7% की बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि नियामक आयोग की ओर से शुक्रवार को नई दरें जारी कर दी गई हैं। हालांकि बीपीएल उपभोक्ता, स्नोबाउंड उपभोक्ता और फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने बताया कि सोलर वाटर हीटर में छूट 75 रुपए प्रति 50 लीटर रखी गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अब इसमें अलग अलग इसको 6.92% की बढ़ोतरी जो हमारे कैटेगरी वाइज उपभोक्ता गण है, घरेलू है, अघरेलू है, पीटीडब्ल्यू है, निजी नलकूप है, इंडस्ट्रीज है, इन सब में हम ये देखते हैं कि किस में बढ़ाना उचित होगा, किस में बढ़ाना नहीं होगा, उसको हम कंसीडर करते हुए इंडस्ट्रीज में और कमर्शियल में बढ़ोतरी की गई है और बहुत से मतलब माइनर पार्ट आंशिक भाग में जो डोमेस्टिक होता है कनेक्शन उसमें अगर देखा जाए तो 0 से लेकर 100 यूनिट तो जो कंज्यूम होते हैं उसमें 15 रुपये पर किलोवाट पर मंथ के फिक्स चार्जेस की बढ़ोतरी हुई है और 25 पैसे जो है एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है। 100 से 200 यूनिट में भी अगर देखा जाए तो 15 रुपये पर किलोवाट पर मंथ की बढ़ोतरी हुई है और एनर्जी में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 200 से 400 यूनिट जो भी कंजम्पशन होगा एनर्जी में तो 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है फिक्स चार्जेस में नहीं, लेकिन एनर्जी में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार घरेलू में एक कनेक्शन जो होते हैं गवर्नमेंट के होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी होता है, हॉस्पिटल भी होते हैं, ट्रस्ट भी होते हैं जो इनकम टैक्स पे ही होते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो 25 किलोवाट तक 10 रुपये पर किलोवाट की तो फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी हुई है, 30 पैसे जो है वो पर यूनिट एनर्जी में बढ़ोतरी है। 25 किलोवाट के ऊपर जो है उसमें 10 रुपये पर के भी एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है और 35 पैसा नहीं फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी है 10 रुपये पर के भी है और एनर्जी में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है।